नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं अपराध जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर हमारे खास प्रोग्राम क्राइम 100 में। बीकानेर आईजी के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत चूरू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएसटी के सहयोग से सदर थाना पुलिस ने NH-52 पर नाकाबंदी के दौरान 25 लाख रुपए की अफीम के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी बिना नंबरी कार के इस अवैध अफीम की चित्तौड़गढ़ से पंजाब सप्लाई देने जा रहे थे। सीओ सिटी ममता सारस्वत ने बताया कि चित्तौड़गढ़ निवासी विमल कुमार, भिलवाड़ा निवासी सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जाँच दूधवारा थाना पुलिस में सौंपी है। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। पुलिस नाकेबंदी कर जिस सफेद कार की तलाश कर रही थी, मंगलवार को वो कार रोल से ददीमाता मंदिर की तरफ जाने वाली रोड पर झाड़ियों में खड़ी मिली। कार में सवार लोगों के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया। मतलब है कि सोमवार को लाडनू पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर जायल क्षेत्र की तरफ भागी सफेद कार मिल गई है। अंदेशा जताया जा रहा है कि पुलिस की ए श्रेणी की विशेष नाकाबंदी में पकड़ में आने के डर से बदमाशों ने कार को यही छोड़ दिया और बदमाश मौके से फरार हो गए। SP अभिजीत सिंह सोमवार से खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कार के मिल जाने के बाद SP अभिजीत सिंह के निर्देशों पर अब कई थानों की पुलिस ने पूरे इलाके में बदमाशों की तलाश में जबरदस्त सर्च अभियान शुरू कर दिया है। SP अभिजीत सिंह सहित सभी आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक लाडनू पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर जायल क्षेत्र की तरफ भागी कार बरामद कर ली गई है और फरार हुए बदमाशों की तलाश की जा रही है। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। आरोपी जिस किशोरी से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार होकर जेल गया था, जमानत पर रिहा होते ही वापस उसी किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस के मुताबिक 13 जून को बगरू इलाके में किराए पर रहने वाले आरोपी ने किशोरी को फोन किया और मिलने बुलाया। किशोरी स्कूटी से पहुंची तो आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया और बगरू इलाके में अपने कमरे पर ले गया, जहां मोबाइल बंद कर पूरी रात किशोरी के साथ दरिंदगी की। किशोरी के परिजन उसे ढूंढते हुए निकले, लेकिन कहीं पर भी युवती का पता नहीं चल पाया। मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ था। परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने युवती की तलाश शुरू की। अगले दिन सुबह पीड़िता ने परिजनों को लाइव लोकेशन भेजी। आरोपी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। किशोरी जब होश में आई तो आरोपी मौके पर नहीं मिला। पीड़िता ने अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन किया और परिजनों को लाइव लोकेशन भेज दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट। मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में एक मरीज की मौत के बाद उत्तेजित हुए परिजनों ने वेंटिलेटर पर अपना गुस्सा निकाल दिया और उसमें तोड़फोड़ कर दी, जिससे वह बहुत खराब हो गया। अब वह दूसरे मरीजों के काम नहीं आ पा रहा है। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नीलेश जैन ने महावीर नगर थाने में एक लिखित शिकायत भी भिजवाई है। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही इस मामले में पड़ताल शुरू कर दी है। मामले के अनुसार 14 जून की रात को छतरपुरा निवासी मरीज हनीफा को COVID-19 ICU में उपचार के दौरान मौत हो गई। बाद से परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने कहा कि ये वेंटिलेटर चलते नहीं है। थोड़ी सी तेज आवाज में भी परिजन बोलने लगे। इस बात की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। इससे पहले ही परिजन ने वेंटिलेटर नहीं चलने का हवाला देते हुए उसे धक्का दे दिया, जिसके चलते वह टूट गया। इस मामले में अधिकांश डॉक्टर नीलेश जैन ने एक शिकायत महावीर नगर थाने में भेजी थी। इस पर मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट। जिले की चाकू थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार रात को सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 920 किलो डोडा पोस्ट पकड़ा है। साथ ही पुलिस ने एक 12 चक्का ट्रक, बिना नंबरी दो बोलेरो कैंपर, बिना नंबर की एक पिकअप, पिकअप में रखा हॉकी बैट, 12 बोर गन और 5 राउंड बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार जांबा थाना अधिकारी मगाराम को मुखबिर के जरिए अवैध डोडा पोस्ट की खेप की सूचना मिली थी, जिस पर जांबा थाना अधिकारी मगाराम, बोजासर थाना अधिकारी मनोहर बिश्नोई सहित मैं जाप्ता क्लेंसर की तरफ जाने वाली रोड से छीला नीड़ा पहुंचे।
जहां कई संदिग्ध वाहन खड़े थे। वहीं पुलिस को देखकर तस्कर हड़बड़ा गए और एक वरना कार से उन्होंने जानबूझकर पुलिस की कार को टक्कर मार दी। तस्करों ने फायरिंग भी की और दो बोलेरो कैंपर व एक पिकअप गाड़ी छोड़कर भाग गए। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों के साथ ठगी होती रहती है, लेकिन जोधपुर में अब तक रोचक मामला सामने आया है, जिसमें ठगों ने 3 युवकों को 500 रुपए के स्टैंप पर लिखा कर दे दिया कि वह उनकी नौकरी जोधपुर एम्स में वार्ड बॉय के पद पर लगा देंगे। लेकिन लंबे समय निकलने के बाद भी झांसेबाजों ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो आखिरकार तीनों युवकों को पुलिस की शरण में आना पड़ा। अब कुड़ी भक्तासनी थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। खास बात यह है कि पीड़ित और झांसेबाज एक दूसरे के परिचित हैं और साथ रहते थे। कुड़ी भक्तासनी थाना पुलिस के अनुसार जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले भागीरथ सिंह राजपुरोहित, वीरेंद्र सिंह राजपुरोहित और सुखदेव सिंह राजपुरोहित झालामाड़ के एक मकान में किराए पर रहते थे। उसी मकान के किराए पर रहने वाले बिलाड़ा के भगानी सिंह निवासी महेंद्र कुमार सुथार और भरत सिंह जोधा से उनकी मुलाकात हुई। महेंद्र और भरत ने भागीरथ सिंह से कहा कि उनके जोधपुर एम्स में बड़ी जान पहचान है और वे वार्ड बॉय की नौकरी दिला देंगे। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। शहर के कोतवाली थाना इलाके में सोमवार देर रात एक टैंकर ने कार को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। वह इसकी जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फरार हुए टैंकर की तलाश शुरू की, जिस पर कुछ ही दूर टैंकर को छोड़कर चालक फरार हो गया था। वहीं पुलिस ने जब टैंकर की तलाश ली, जिसमें टैंकर के कैबिन में से अवैध डोडा पोस्ट से भरे 2 कट्टे बरामद की गई। वहीं फरार टैंकर चालक की तलाश की जा रही है। कोतवाली थाना अधिकारी प्रेम प्रकाश ने मंगलवार देर शाम इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार देर रात बालाजी अस्पताल के सामने कार को टक्कर मारकर एक टैंकर घटनास्थल से फरार हो गया। कुछ ही दूरी पर टैंकर को छोड़कर चालक फरार हो गया। वहीं तलाशी लेने पर टैंक 26 किलो डोडा पोस्ट पाए जाने पर जब्त कर मुलजिम के खिलाफ कोतवाली थाने में NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया जा रहा है। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। चाकू थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात को पुलिस और डोडा तस्करों के बीच फायरिंग हुई। तस्करों ने पुलिस पर फायर किए, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायर किया। पुलिस का आक्रमण रुक देख तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों से होते हुए भाग निकले। पुलिस को बीच सड़क पर खड़ी तस्करों के वाहनों में डोडा पोस्ट की बड़ी खेप बरामद हुई, जिसमें 920 किलोग्राम डोडा पोस्ट मिले, जिसकी कीमत 45 लाख रुपये है। इसके अलावा 12 बोर की गन और गोलियां बरामद हुई, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तस्कर पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर आए थे। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि थाना अधिकारी जाम्बा मगराम को डोडा खेप आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर उनके साथ थाना भोजासर प्रभारी डॉक्टर मनोहर बिश्नोई जय जाप्ता के साथ रवाना हुए। बीर इतलानुसार चिमारा से 4-5 किलोमीटर केलनसर की तरफ जाने वाली डामर रोड में भी छीला नाड़ी जाने वाली सड़क पर एक ट्रक से छोटी गाड़ियों के कट्टे लोड किए जा रहे हैं। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियो देखें ऑन डेली हंट। शादी का झांसा देकर युवती को केरल ले जाने, दुष्कर्म करने और बच्चा पैदा होने पर युवती को छोड़कर फरार होने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इस संबंध में अटल बंद थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस को दी रिपोर्ट में युवती ने बताया कि नवंबर 2019 में शहर के तिलक नगर निवासी सुनील उससे शादी का झांसा देकर अपने साथ केरल ले गया, जहां पीड़िता को आरोपी अपने जीजा रामेश्वर के घर ले गया। कुछ दिन तो हालात सामान्य रहे, लेकिन बाद में पीड़िता और आरोपी के बीच झगड़ा होने लगा। पीड़िता का आरोप है कि वहां उसे बंधक बनाकर रखा जा रहा था। वहां उसका जीजा रामेश्वर सहित उसके साथ जितेंद्र, अन्नू, राजो युवती पर कड़ी नजर रखते थे। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियो देखें ऑन डेली हंट। क्लॉक टावर थाने में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। मामले में आरोपी ने युवती की मदद कर पहले उसे अपना विश्वास में लिया और फिर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। मामले की पूरी जांच क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत कर रहे हैं।
क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया, उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक 20 साल युवती ने क्लॉक टावर थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। वह 15 दिन पहले दिल्ली से बिना टिकट लिए अजमेर आ गई थी। इस पर टीटी ने उसे पकड़कर स्टेशन पर रोक लिया। इसी दौरान स्टेशन पर एक कॉल पर काम करने वाले लड़के गौरव सिकरवाल ने उसकी मदद करते हुए उसे टीटी से छुड़वाया और उसे खाना खिलाकर वापस ट्रेन में बैठा दिया। गौरव ने ट्रेन में बैठ जाने से पहले उसे अपना फ़ोन नंबर भी दिया था। दिल्ली वापस जाने पर युवती फ़ोन के जरिए गौरव के संपर्क में रही। करीब 7-8 दिन पहले युवती वापस अजमेर आई और गौरव से मिली। गौरव ने उसे मीठी मीठी बातों में उलझाकर तोपदड़ा गुलाब शाह को तकिया स्थित अपने किराए के कमरे पर ले गया, जहां उसने युवती को शादी का झांसा देकर अपनी हवस का शिकार बनाया। फिलहाल क्राइम 100 में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।